इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने वाले लड़के जो हैं कभी भी प्रशासन के किसी भी उसके आदेश का पूरी तरीके से अनुपालन करते हैं उसको नकारते नहीं हैं। इन्होंने बताया कि इनके आदेश के बावजूद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में कुछ लड़के यहाँ पर रुके हैं। आपको ज्ञात होगा कि जिस समय कोरोना चल रहा था हजारों हजार किलोमीटर लोग पैदल चल के जाते थे, उस समय जो बस की व्यवस्थाएँ थी, ट्रेन की व्यवस्थाएँ थी, जितनी सारी जो पब्लिक यातायात होता है ये सारे पूरे तरीके से बंद थे। कहीं भी किसी प्रकार से लोगों का आना जाना प्रतिबंधित था। यही पुलिस वाले, यही प्रशासन वाले जब लोग रोड पे निकलते तो उनको मारते थे। पहली बात, वो किस तरीके से अपने घर को जाते, और उस समय जब इतना संक्रमण चल रहा था कि लोगों के पास जाने से हवा तक फैलता था, मतलब हवा में फैलता था, लोग एक दूसरे के पास अगर जाएँ तो मतलब अगर वो हॉस्टलों में सुरक्षित हैं तो वो यातायात का उपयोग करके पैदल जा करके कोरोना ले जाके अपने घर में ले जाके फैलाएँ। तो इस नाते इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा उस जो छात्र है जो हॉस्टल में रहता है वह यही उचित समझा कि वह किसी भी कीमत पर घर न जाए ताकि उसके माँ बाप सुरक्षित रहें। तो 5,000 रुपये जब दिया जाए, अब ये 5,000 रुपये उनसे इसलिए मांगा जा रहा है कि उनसे वही हम बताना चाहते हैं कि शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फंड में कमी आ गई है, यहाँ के प्रोफेसरों, यहाँ के VC की अय्याशी में कमी आ गई है पैसा में, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से 5,000 रुपये ये वसूल करके पूरी करेंगे। देखिए, हॉस्टल में जो उस टाइम पे लड़के रह रहे थे, किसी का कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, किसी का वनडे एग्ज़ाम था, किसी का सिविल का एग्ज़ाम था, किसी का PCS का एग्ज़ाम था, कुछ लोगों का सेमेस्टर का भी था। आते गांव से आते थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, जमा नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों को जमा करना था, इसलिए हॉस्टल में लड़के रह रहे थे, क्योंकि हॉस्टल का पैसा उन्होंने एक साल का पूरा पेमेंट किया था, तो वो इसलिए हॉस्टल में रह रहे थे। और 6 महीने कुछ लड़के घर छोड़ के चले गए, उनकी भरपाई क्या BC मैम कर पाएंगी? 6 महीने पूरा 15,000-16,000 रुपये उनसे पैसा लिया गया। क्या वो बिजली का बिल पूरा बिजली यूज किए, पानी यूज किए या फिर मेस यूज किए? उनसे अवैध रूप से पैसा लिया गया और वो 6 महीना केवल रहे और उसके बाद घर भगा दिया गया, हॉस्टल खाली करा दिया गया, जिससे वो प्रताड़ित हुए। इसकी भरपाई BC मैम को खुद करना होगा। हम लोग जो है हॉस्टल में जो लड़के थे, जो छात्र थे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ये भरपाई BC मैम से करवाई जाएगी। हरिकेश कुमार हैरी भाई, प्रदेश। जो छात्र हैं उनसे 5,000 रुपये पेनल्टी ली जा रही है और इस पेनल्टी की सूचना, नोटिस उन लोगों को जनवरी में ही दे दी गई थी कि अगर वो बिना अनुमति के हॉस्टल में रहते रहेंगे तो उनसे पेनल्टी ली जाएगी। और इसका जो ये पेनल्टी डालने का हम लोगों का डिसीजन हुआ है, निर्णय हुआ है, उसके पीछे वजह ये है कि हॉस्टल्स का, विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स का बिजली का बहुत बड़ा बिल आया है, 7,55,00,000 से ज़्यादा का बिल है वो, और ना विश्वविद्यालय के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इस तरह का बिल पे कर सके। हमारी यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा नहीं है और ना ही किसी भी हॉस्टल के पास इतना पैसा है कि वो अपने इतने बड़े बिजली के बिल पे कर सके। तो इसका एक हाई लेवल कमेटी, एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि इतने बड़े बिजली के बिल को पे करने के लिए अब यही तरीका बचा है कि जो छात्रों से पेनल्टी ली जानी थी और पहली नवंबर से उनको ये बोला गया था कि उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो छात्रावास छोड़ के नहीं जाते हैं, तो उनसे अब ये पेनल्टी ली जाएगी प्रति माह 5,000 रुपये की दर से, और जो पैसा इकट्ठा होगा उससे ये बिजली का बिल दिया जाएगा। इस तरह से कितने हॉस्टल्स हैं जिन पे ये इस तरह की पेनल्टी लगाई गई है? देखिए, आपको लगता है कि क्या स्टूडेंट इसको दे पाएंगे? देखिए, ये 16 हॉस्टल्स जो यूनिवर्सिटी के हैं उनका कुल जमा बिजली का बिल आया है, और जो छात्र हैं उनको पहले बताया जा चुका था, जैसा मैंने आपको बताया, उनको एक नोटिस इस बात की, बिल्कुल साफ नोटिस उनको जनवरी में गई थी कि उन पे पेनल्टी लग सकती है, और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था और उनको कहा गया था कि वो अपने बच्चों को वापस बुला लें, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो कोरोना पीरियड है, लॉकडाउन है, उनका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, उनको परमिशन भी नहीं है, हॉस्टल्स अलॉट नहीं किए गए हैं, बच्चों से फ़ीस नहीं लिया गया है, तो वो यहाँ रह रहे हैं, उनको परमिशन नहीं है रहने की, तो इसलिए उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अगर अब वो रह रहे हैं तो उनसे पेनल्टी लिया जाएगा। अच्छा, कितना बिजली का बिल बकाया है यूनिवर्सिटी पर, क्या लगता है यही रास्ता बचा है? ये यूनिवर्सिटी का बिल नहीं है, ये हॉस्टल्स का बिल है, और ये सिर्फ उन 16 हॉस्टल्स का बिल है जो 7,55,00,000 से ज़्यादा का आता है, और ये और कोई तरीका नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी के पास, जैसा मैंने कहा, और ना ही हॉस्टल्स के पास इतना पैसा है कि हम लोग ये बिल दे सकें।